प्यारे दोस्तों, आप मेरी भावना को समझ गए होंगे कि मैं अपने जीवन को परोपकार में लगा देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ा परोपकार है मनुष्य की मस्तिष्क की जो बुद्धि है ना, उसको सही दिशा देना, नकारात्मक से मोर के सकारात्मक दिशा में देना, जिससे वो व्यक्ति का जय जय होगा, जिससे सबों का जय जय होगा और कभी भी कोई दुखी नहीं होगा। तो इस सिलसिले में जो परमार्थ की बात है उसको मैं अपने प्रिय मित्र मन्ना डी की आवाज़ में बादल फिल्म का, जिसको कि संजीव कुमार ने फिल्माया था, उसमें ये बता रहे हैं, जिसका सारांश यही है कि ये जो लालची लोभी खुदगर्ज दुनिया है, इसमें तो स्वार्थी लोग केवल जानवरों की तरह अपने लिए जीते हैं, लेकिन महान व्यक्ति वो है जो समाज से, इस दुनिया से कुछ नहीं लेता है बल्कि सब कुछ दे देता है। ज्ञान के आधार पर कलाकार बन के, वैज्ञानिक मन के तरह तरह के चमत्कार से दुनिया को बेहतर बनाता है, दुनिया में ऐसी खुशियां ला देता है, ऐसे व्यक्ति हैं। लेकिन वो बदले में कुछ नहीं चाहता है, नेकी कर दरिया में फेंकी भावना होती है महापुरुषों में। प्यारे दोस्तों, वो बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं, वो कभी भी किसी के सामने सर नहीं झुकाते हैं, क्योंकि उन्हें मस्तिष्क शक्ति इतनी अद्भुत है कि वो सब कुछ अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं, सर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। और हिम्मत भी बहुत होता है उनको, इतनी बुलंदी होती है कि धरती पर तो क्या, आकाश पर भी पैर रख के वो आकाश से भी ऊंचाई उड़ने की कोशिश करते हैं। अगर कोई उन्हें बोलता है, कहता है कि मुझे गुरूर है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, तो मैं उस नालायक कमीने को बता देना चाहता हूँ, अरे साली, आकाश की ऊंचाई बहुत कम है। आकाश क्या, मैं आकाश पाताल स्वर्ग तीनों को जीतने वाला पराक्रमी यशस्वी महापुरुष हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, तो याद रखिए, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर। हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। इसके लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, कठोर परिश्रम की आवश्यकता है। जान रहे न रहे, लेकिन मान जरूर रहे, स्वयमान जरूर रहे, इस भावना से हमें कार्यरत रहना चाहिए। इन भावना से अगर हमारे ये हमारे ग्रीन हिल सर्विसेज के कार्यकर्ता कार्य करेंगे, उनका जीवन तो सफल होगा ही, लेकिन जिस कार्य के लिए वो इस उद्देश्य से इस संस्थान में ज्वाइन किए हैं, उसका भी पराकाष्ठा पर वो पहुँच जाएंगे और जीवन की सफलता को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।